गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी नीरज और मैं ऐसे बैठे थे, नीरज ने अचानक से बोला कि मैं कुछ बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो नीरज कुछ भी बनाए तो जाके मैं वीडियो तो बना लूँ, क्योंकि गाइज आई एम कंटेंट की भूखी। और जैसे ही मेरे पति मेरे को कंटेंट दे रहे हैं तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए एंड वीडियो बनाया जाए। तो ये देखते हैं नीरज अभी क्या बना रहे हैं, जाके पूछते हैं क्या खाना है। तो अभी आप यूट्यूब में देख रहे थे क्या? नहीं, काफी दिनों से वो जो हमने अमृतसर में खाया था ना हलवा। हाँ, पहले बर्तन निकाल लो फिर बोलना। इसमें बना लो ना, इसमें हाँ खराब नहीं हो जाएगा। इसमें बना लो, ये चलाना भी टिस से लकड़ी वाले। तो क्या हुआ कि तुम्हें याद है कि हमने जो अमृतसर में जब खाया था हलवा, हाँ, तो वो खाने का बहुत मन किया। एक दो दिन से मेरा काफी मन कर रहा था, तो उसके लिए देसी घी चाहिए। हाँ? देसी घी ये दो पड़े हैं मेरे को, मैं देती हूँ। पर ये बताओ, आप अगर खाना ही था तो आप मुझसे भी बोल सकते थे कि वर्षा बना दो। तो आप अपने आप किचन में आए और ऐसा बनाना चाहते क्यों? नहीं, खुद ऐसा होता ही नहीं कि मैं भी बनाना चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें बोलूँ। मुझे बनाने की मतलब कि वो इंटरेस्ट हुआ तो इसलिए मैं बनाने आया। ओके, तो आज आप हलवा बनाएंगे और मुझे भी खिलाएंगे। हाँ, तो तुम भी खाओ ना और मैं भी बनाऊंगा, ठीक है? अब ओके, तो यहाँ पे दूसरा आ रहा नहीं है, ये भी है एक देसी घी और एक ये। बस ये, अरे बाप रे, इतने दो देसी घी है, दो देसी घी। आपको इसमें से जो सा चाहिए आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और व्हाट यू वांट दिस? ताकि कचौरी ज्यादा भी मत बना देना फिर। नहीं नहीं, बनाऊंगा एक कटोरी से, लेकिन घी चाहिए ज्यादा। अच्छा, समझे? घी चाहिए कम से कम बहुत। अच्छा, ये वाला डाल दे घी। ये डालडा है क्या? नहीं नहीं, घी है ये, पंजाब वाला घी है। कोई पंजाब हो चाहे हरियाणा, पंजाब हमें घी खाना। ये पापा लाए थे ना। ओके चलो ठीक है। आपको क्या जुकाम लग गया क्या? नहीं, अचानक से राइट वाला नाक पता नहीं ब्लॉक सा हो गया इसलिए। ओके, तो पहले डाल देंगे घी। दरवाजे में कटोरिया लेके ना पहुंच जाएगी। वो तो तब पहुंचेगा ना जब मैं तारीफ करूंगी, अच्छा बनाओगे। अच्छा, फिर उससे उसके लिए तुम्हें तारीफ करनी पड़ेगी। यस, चलो उससे पहले भी सूजी भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। वाह, तो डब्बे में रखा उस दिन जब मैंने पूछा था। अभी रखा ये पता क्यों रखा? ये आप जो आप ये सूजी लाए थे ना, इसका पैकेट फट गया था और उसके अंदर पूरा चींटी लग रही थी। ओ माय गॉड, तो मैंने इसलिए इसको डब्बे में खना के रख दिया था। ठीक है, अच्छा किया। अच्छा किया, अभी भी थोड़ी थोड़ी चींटियां होंगी ना। तो भाई नीरज बना रहे हैं सूजी का हलवा। घी गरम हो गया एकदम, बिल्कुल पिघल चुका है। यस, घी पिघल चुका है और सूजी भी जा चुका है। ये एकदम वैसे इसमें इतना काम करते हैं, सूजी डालो घी डालो, इजी चीज है, तभी बना रहा है बंदा। हार चीज होता तो बीबी को बोलता, इजी चीज है फिर इसलिए तभी बना रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात। अभी नीरज बना रहे हैं सूजी का हलवा, जैसे बनता है फिर खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं नीरज जी पास हुए या फेल हुए। ठीक है, आप बताओगे? या आई एम सैफ। सैफ क्या? सैफ। जैसे मैं कुछ बनाती तो आप टेस्ट करके बताते हो। अच्छा, तब आप ये देखो, देखा यूट्यूब में देख रहे, यूट्यूब में देख रहे थे। काजू बादाम फादम फादम कुछ मत डालना। बेसन है, बेसन दो, तो बेसन भी चाहिए थोड़ा। हमारे पास बेसन नहीं है। बेसन नहीं है तो आप कुक जी आप बिना बेसन के बना लेंगे? बिना बेसन के बना देंगे क्या? अगर आज नीरज ने अच्छा हलवा बना लिया तो हम एक ठिल्ली खोलेंगे। नीरज के हलवे की ठिल्ली। छी छी छी। तो ठीक है, अभी हलवा बनने का वेट करते हैं, जैसे खा के फिर टेस्ट करके बताया जाएगा। ओके बिल्कुल, पंखा चला दे, अंदर भी बहुत होगी। तो
तो नीरज ने हलवा भी बना लिया है। कलर देखकर तो ऐसा लग रहा है नीरज ने हलवा जला दिया है। जला नहीं दिया है, पता है एक्चुअली क्या है, जो हमने अमृतसर में खाया था ना, उसका कलर याद है तुम्हें? एकदम बिल्कुल ब्राउन टेक्सचर कलर था, तो मैं वो मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश के मिलाने के चक्कर जल गया ना। जल गया यार। मुझे, मैं यहाँ बैठी थी, मुझे यहाँ तक आवाज है। ओहो, पता क्या हुआ एक्चुअली? वो जो बर्तन था वो इंडक्शन वाला था, ठीक है, उसमें अच्छे से नहीं वो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, इंडक्शन का बर्तन है तो इंडक्शन पे पकाना चाहिए। तो ये जला इंडक्शन में डालने के बाद ही जला ये शायद। हाँ, आपने पहले गैस में चलाया था तो अच्छा बन रहा था, जैसे आपने इंडक्शन में डाला तो ये जल गया। जल गया, जला नहीं है मतलब। आपने खाया? अच्छा है। हाँ अच्छा है, तुम भी खाओ। सूजी का तो कोई टेस्ट नहीं होता। भगवान, सही सलामत रखना मेरे पेट को। पति ने बनाया और ऐसे बोल रही है सही सलामत रखना दे। घरेलू हिंसा। कल मैंने अंडा उबाला था, तुमने सब्जी बनाया, आज मैंने हलवा बनाया, तो कल मैं चाय बना दूंगा। वो तो तुम बनाते हो, उसके अलावा खाने में? खाने में, खाने में तो यार मुश्किल है, नहीं बना पाऊंगा। ये पति होगा ना, बीवी के बिना कुछ काम नहीं है गाइस, समझ रहे हो? ठीक है, अबे खा लिया, जाना है हम लोग मंदिर में, आज जन्माष्टमी है तो वो मंदिर में पूजा भी है, तो जा भी सकते हैं हम लोग, तो जैसे जो भी रहेगा अपडेट दूंगी मैं आपको। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जन्माष्टमी का मंदिर पे पूजा है, तो उसी के लिए अभी मैं जा रही हूँ, तो मैंने सूट भी निकाल लिया है, तो मैं सोची येलो कलर का ही सूट पहनूंगी, तो मेरे जो मैंने अमृतसर जाते हुए सूट पहना था ना ये वाला, तो मैं यही सूट पहनने वाली हूँ, तो मेकअप कर लेती हूँ, सूट पहनती हूँ, रेडी होकर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ जन्माष्टमी के पूजा में जाने के लिए, तो ये सभी नीरज भी रेडी हो रहे हैं, तो निकलते हैं मैं, नीरज और रेखा, हम लोग तीनों ही जाने वाले हैं कार से, तो ये चलते 11 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा, अभी 10:30 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग निकलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या रहेगा, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। चलो जी हीरो। तो हम लोग निकल चुके हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रही हूँ ऐसा पूजा वगैरह जो रहता है, और हमारे साथ रेखा भी जा रही है, बेचारी हमारे वजह से रेखा भी लेट हो गई। नहीं नहीं, रेखा के 10 मैसेज आ गए, मैं इनको बोल रही हूँ जल्दी करो जल्दी करो, मैं लड़की हूँ कि इतनी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, लड़का हो कि इतना टाइम लगता है। तो गाइज यहाँ पे है मंदिर, अभी तक तो हम पहुँचे नहीं हैं, अभी तक मैं पहुँची नहीं हूँ वहाँ से, जैसे पहुँचूँगी मैं दिखाऊँगी कैसा कैसा है, अगर भीड़ कम हुई तो ब्लॉगिंग करूँगी, भीड़ ज़्यादा हुई तो फिर नहीं करूँगी। ज़्यादा ही होगा, नाम बहुत लोगों का है। अच्छा, तो मेरे पति कहाँ चले गए? मेरे पति गाड़ी पार्किंग के में पार्किंग में रह गए। तो गाइज ये एंट्री शुभ जन्माष्टमी 2023, एंड ये जो पेंटिंग है ये भी हाथ से बनाया गया है, तो बहुत ही मस्त लग रहा है, अभी अंदर से जाके भी दिखाऊँगी कि कैसा है, ठीक है? तो यहाँ पे फोटो खींचते खींचते तुम और में। छोटे राधा, छोटे छोटे कृष्ण बन रखे हैं यहाँ पे, ये देखो राधा भी है यहाँ पे, इतनी सारी हर जगह कृष्ण राधा ही दिखेंगे, ये देखो ये छोटे छोटे। तो गाइज अभी जस्ट हमने अंदर पूजा किया नीरज और मैंने, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठ रहे थे, यहाँ पे ऐसे बैठने का था, उसके बाद अभी बोल रहे कि अंदर जाएंगे क्योंकि आरती वगैरह पूजा वगैरह होगा, तो उसके लिए अभी हम लोग सब लोग अंदर जा रहे हैं, चप्पल अपनी अपनी सीट पे अपना चप्पल रख के जा रहे हैं, ताकि वापस आए तो हमको यही सीट मिले। यस, राधे राधे।
करके दे रही हूँ। तो डिनर है हमारा आज का छोले भटूरे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, अभी हम लोग ऐसे बैठ के बातें शाते कर रहे हैं, है ना, बातें शाते कर रहे हैं। बातें खत्म नहीं होती, बातें खत्म नहीं होती। और यहाँ इनके हस्बैंड क्या क्या लेके आ गए, क्या ये प्रसाद है? प्रसाद, ओहो प्रसाद। नीरज खीर खाते हैं, तो अभी हम कार में वापस आ रहे थे तो उन्होंने पूछा कि खीर खाते, तो उन्होंने हाँ। तो फिर नीरज के लिए खीर, तुमसे खीर बनाना सीखूंगी, ठीक है? मेरे पति को खीर पसंद है पर मुझे खीर बनाना नहीं आता। मेरे पति फिर खीर ही नहीं खाते, मेरे को बनाना आता, वो खाते ही नहीं। ले उल्टा हो गया, एक चम्मच से ज्यादा कोई ले खाने ना, उनको बनाना आता है, उनके पति नहीं खाते, मेरे को बनाना नहीं आता, मेरे पति खाते हैं। उल्टा ही हो गया। चलो फिर चलते हैं। ओके बाय, बाय 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 बाय। तो गाइज हम लोग घर पे भी आ चुके हैं, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज एंड सब्सक्राइब, बाय।